मैं अभिषेक भारती आप सबका जांच स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। पूरे देश में जहां कोरोना का महामारी अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है और वहां ईसीआई यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बिहार लेजिस्लेटिव इलेक्शन यानी बिहार विधानसभा चुनाव 2020 का नोटिफिकेशन तक जारी कर दिया और इलेक्शन का तारीख भी निकल गया। मतलब कि भले लोगों का जान खतरे में पड़ जाए बट इनको अपना राजनीतिक धर्म करना है। तो आज हम बात करेंगे कि आखिर किस तरह से बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन का चुनाव होगा, यानी कि बिहार विधानसभा का किस तरह से चुनाव होगा और इनमें क्या क्या वादे किए गए हैं वोटर को लुभाने के लिए। तो जल्द ही बिहार में वोटर के लिए नेता विधायक बिल से निकलकर अपना अपना किया हुआ झूठा वादा का राग फिर से निभाएंगे। तो देखते हैं आज हम इस लेक्चर में कि किस तरह से हम से बिहार का बंटाधार होने वाला है। जैसा कि इतिहास गवाह है, बिहार में 1990 के बाद से कभी कांग्रेस आया नहीं, यानी कि सत्ता में वो वैसे भी कभी नहीं आया, तो वैसे भी बाहर है। फिर भी 23 अक्टूबर को यानी कि आज के दिन राहुल गांधी कहलगांव भागलपुर से अपना कार्यक्रम करेंगे और वहां पे जाकर अपना जो भी उनका कार्यक्रम होगा, जो भी रैली होगा वो करेंगे। और ठीक उसी दिन भागलपुर से ही हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अपना सभा को संबोधित करेंगे। इस बार मुद्दा क्या रहेगा अलग अलग राजनीतिक दलों का, यह देखने योग्य रहेगा। परंतु बिहार की जनता तो वैसे ही सबसे परेशान है, नीतीश चाचा बिहार को बर्बाद कर ही दिए हैं, अब लालू चाचा के चुन्नू मुन्नू आए हैं बंटाधार करने के लिए। तो देखते हैं क्या होता है। तो इसी के साथ हम जल्द से जल्द इस वीडियो को आगे बढ़ते हैं। तो इस मज़ेदार वीडियो को मिस ना करें और हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो अभी यूट्यूब, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक के माध्यम से जुड़ सकते हैं। और CBSE और बिहार बोर्ड क्लास 10th के सिलेबस भी स्टार्ट हो गए हैं, तो अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बिहार के चुनाव मुद्दों की किसी सरकार नहीं आएगी या आएगी नहीं आएगी या आएगी किसकी सरकार आएगी, ये हम आज इस पर डिस्कस करते हैं कि किस तरह का माहौल है बिहार का, क्या इलेक्शन होने वाला है, क्या लोगों के रहेंगे और बिहार का भी मौजूदा हाल क्या है। तो आइए जानते हैं हम इस लेक्चर में। तो पहले हम बात करते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किस तरह से नोटिफिकेशन जारी किया है, कितने फेज में इलेक्शन होगा और ये कब होगा, कहाँ होगा, ठीक है, कितने दिन तक चलेगा। तो ये इलेक्शन जो है बिहार में ये 3 फेज में होगा, फेज 1, 2 और 3। पहले फेज में 71 सीट से पे चुनाव होना है, दूसरे फेज में 94 सीट पे चुनाव होने हैं और तीसरे सीट पे 78 सीट यानी कि 78 सीट पे चुनाव होने हैं, ठीक है। तो इस तरह से देखते हैं आज हम कि कहां कहां कैसे चुनाव होंगे। ये बिहार इलेक्शन कमीशन इलेक्शन के लिए जो नोटिफिकेशन इशू हुआ था वो पहले फेज के लिए 1 अक्टूबर को ही जारी कर दिया गया था, लेकिन दूसरे फेज के लिए 9 अक्टूबर को और तीसरे फेज के लिए 13 अक्टूबर को जारी किया गया था। इसका लास्ट डेट जो नॉमिनेशन का था वो 18 से लेकर 20 अक्टूबर तक था, हर एक फेज के अलग अलग के लिए, ठीक है। अब है कि लास्ट डेट कब था इलेक्शन विड्रॉ करने के लिए नॉमिनी का, वो 12 अक्टूबर, 19 अक्टूबर और 23 अक्टूबर। लेकिन अब ये जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि डेट ऑफ पोल यानी कि इलेक्शन कब और कहाँ होने हैं, किस फेज में कब होने हैं और नहीं होने हैं। तो जो पहला फेज है 28 अक्टूबर को होगा इलेक्शन वो, ठीक है, और ये होगा कहाँ पर, ये होगा आपका साउथ बिहार में, ये जो आपका बॉर्डर है ये साउथ बिहार में होगा, ठीक है, ये होगा। फिर उसके बाद जो दूसरा फेज होगा यानी कि फेज 2, ये कब होगा, 3 नवंबर को, ये कहाँ होगा ये गंगेटिक बिहार, यानी कि ये जो है यहाँ से जो है सेंटर से इस तरह से होते हुए गंगा बे ऑफ बंगाल में जाती है। तो यहाँ होगा जैसे भागलपुर हो गया, कहलगांव हो गया, फिर इधर हो गया, पटना हो गया, ये सब में इलेक्शन होंगे। और जो आखिरी फेज है वो फेज 3 है, वो कब होने हैं, वो होंगे 7 नवंबर को, और ये कहाँ होंगे, ये होंगे नॉर्थ बिहार में, किशनगंज हो गया, मधुबनी हो गया, कटिहार हो गया, इन सब में होने हैं, इधर सुपौल हो गया, ये सब में होने हैं।
ये तो हो गया कि इलेक्शन कब कब होने हैं, और इसका जो इलेक्शन का जो वोट्स का जो काउंटिंग होंगे वो कब होंगे, वो होंगे 10 नवंबर को। कब होंगे? 10 नवंबर को वोटिंग के काउंटिंग होने वाले हैं। इस दिन देखा जाएगा कि कौन सा पार्टी बिहार में बहुमत के साथ आई है और ये किसका यहाँ पे पल रहा भारी है। तो आगे हम फिर हम चलते हैं कि 2020 बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली में कौन कौन सी पार्टियां हैं। ठीक है, जैसा कि आपको मैंने बताया 28 अक्टूबर से लेकर 7 नवंबर तक इलेक्शन होना है और 10 नवंबर को वोटिंग होगा। ठीक है, जैसा कि टोटल 243 सीट पर वोटिंग होने हैं, यानी कि इलेक्शन लड़े जाएंगे 243 सीट्स पे वोटिंग होने हैं। ठीक है, जिसमें से क्या मेजोरिटी के लिए 122 सीट्स चाहिए, कंपलसरी है। कितने चाहिए? 122 सीट्स मेजोरिटी के लिए यानी कि सत्ता में आने के लिए चाहिए। ठीक है, कौन कौन से पॉलिटिकल पार्टी इस बार बिहार से लड़ रहे हैं? तो आरजेडी से तेजस्वी यादव होंगे, वही चारा घोटाले वाले जिनके पिताजी अभी जेल में हैं। जदयू से नीतीश कुमार होंगे और बीजेपी से संजय जायसवाल, जो कि हो सकते हैं डिप्टी सीएम भी हो सकते हैं या भी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का ये गठबंधन होगा यहाँ पे। ठीक है, और फिर है आईएनसी से यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से जो खड़े होंगे वो बिहार के लिए हुए, वो मदन मोहन झा। वे CPIM, ये एक कम्युनिस्ट पार्टी है। ठीक है, फिर RLSP, फिर LJP, लोक जनता दल होगी पार्टी, चिराग पासवान जिनके पिताजी का भी अभी निधन हो गया है जस्ट, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा कि इनको इमोशनल वोटिंग्स मिल सकते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, तो इस तरह से कुछ सीट्स हैं जिसमें से कि 122 सीट मेजोरिटी के लिए चाहिए। फिर हम देखते हैं क्या 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 मुद्दा रहेगा इस बार इलेक्शन के लिए, जो इलेक्शन है बिहार में क्या क्या मुद्दा रहेगा। तो पहला है कि एग्रीकल्चरल बिल पर रिलेटेड होगा, जो क्या इंडियन पार्लियामेंट ने पूरे नेशनल वाइड पे प्रोटेस्ट किया था, पूरे नेशन वाइड पे इसका प्रोटेस्ट हुआ था और सबसे ज़्यादा पंजाब में हुआ था। ठीक है, फिर है कि जो लेट सुशांत सिंह राजपूत हैं उनका जो डेथ है हो गया था एक अनएक्सपेक्टेड कंडीशन में, वो भी एक इलेक्शन के लिए की रोल मेजर रहेगा कि एक मुद्दा रहेगा, क्योंकि नीतीश कुमार ने इसके लिए CBI जांच के लिए मांग किया था, जो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव दे दिया और इस पर काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा। इस पर एक अलग से हमारा लेक्चर है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं सुशांत सिंह राजपूत के वीडियोज। ठीक है, तीसरा है लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये तो सबसे बड़ा मुद्दा है, लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट मतलब कि बेरोजगारी की समस्या। तो वहीं पे जहाँ पे कि तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर उनका पार्टी आता है तो वो 10 लाख इतने 10 लाख रोजगार देंगे, जो क्या बहुत बड़ी बात है। ठीक है, लेकिन भैया उससे पहले क्या कर, उससे पहले भी 15 साल पहले भी तो आपकी सरकार थी, आपने नहीं दिया, तो अब क्या करोगे? तो ये है, इन्होंने ऐसा उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा है। तीसरा है कि जो 2019 में जो बिहार फ्लड आया था, ठीक है, उसमें किस तरह से घोटाले हुए, किस तरह से गवर्नमेंट ने करप्शन किया या फिर जो पॉलिटिकल लोकल पार्टीज थी जो थी किस तरह से किए, उस पर भी एक मुद्दा बना रहेगा चर्चा का। फिर है COVID-19 पेंडेमिक, कोरोना का मुद्दा बना रहेगा कि किस तरह से लोकल पार्टीज ने क्या किया इलेक्शन में, जो कि अपोजिशन पार्टी के लिए ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट रहेगा ये। ठीक है, छठा क्या है कि लिमिटेड डिजिटल कनेक्टिविटी इन बिहार, से माइग्रेंट क्राइसिस की कोरोना में कई सारे जो लेबर्स थे स्टाफ थे वो जो एब्रॉड में मतलब कि अगले दूसरे स्टेट में जो काम करते थे वहाँ उसको आने में काफ़ी दिक्कत हुई, जिसमें कि स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया, बहुत लेट से सपोर्ट भी किया और बहुत कम भी किया, तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा गवर्नमेंट को, ये इस पर चर्चा का विषय रहेगा, ये चीज़ देखना पड़ेगा। ठीक है, फिर है 2017 में हुए मुजफ्फरपुर शेल्टर होम रेप केस में, इस पर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के खिलाफ एक्शन लिया गया था, कहीं ना कहीं इस पर अपोजिशन इसके लिए। फिर है फॉर्मर जो लोग जनशक्ति
पार्टी के प्रेसिडेंट थे श्री लेट रामविलास पासवान जी, जिनका निधन 8 अक्टूबर 2020 को हुआ था। ये भी अपने पार्टी के एक पॉजिटिव व्यू से वोट को हासिल कर सकते हैं, क्योंकि ये हो गया एक इमोशनल वोटिंग, मतलब कि किसी के डेथ के अधीन पर किसी भी पार्टिकुलर पार्टी को या फिर किसी भी पार्टिकुलर कैंडिडेट को चुन लेना। तो ये कुछ इश्यूज हैं जो कि इस बार बिहार चुनाव में मुद्दा में रहेगा, और नरेंद्र मोदी जहां भागलपुर आ रहे हैं आज, वहां पर भी इनमें से कई सारे मुद्दे उठेंगे, और राहुल गांधी भी अपना मुद्दा उठाएंगे। सबके अलग अलग तर्क होंगे, सबके अपने अपने विचार होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं कि आप जो ये बैकग्राउंड में इमेज देख रहे हैं, ये पूरा ये दरअसल बिहार के पटना सिटी का है, पटना शहर का है। ठीक है, बगल भी ये पीछे जो ये SBI का ब्रांच है, पीछे दिख रहे हैं। ये देखिए हाल, ये एक हाईवे है, ये 2 लेन हाईवे है ये, लेकिन पानी इतना जाम है कि आप गाड़ी तक इसमें डूबी हुई। तो कहीं ना कहीं क्या कंडीशन है ये बिहार का, ये भी बहुत निर्दयीय स्थिति है, क्योंकि जहाँ पे बिहार के 4 शहर पटना, बिहार शरीफ, भागलपुर, मुजफ्फरपुर को स्मार्ट सिटी में चुना गया है, वो ये हाल है स्मार्ट सिटी का। सोचिए, जब पटना को 380 करोड़ मिले हैं सिर्फ स्मार्ट सिटी के तर्ज पे, तो भी इतना बुरा हाल है कि एक इस तरह कंडीशन है। तो ठीक वैसे ही बिहार शरीफ को भी 110 करोड़ मिले हैं, भागलपुर को भी 382 करोड़ मिले हैं, मुजफ्फरपुर को भी 112.5 करोड़ मिले हैं। यानी कि टोटल सिर्फ बिहार के 4 शहरों में सेंट्रल गवर्नमेंट ने 994.5 करोड़ का निवेश किया है स्मार्ट सिटी के अंडर। ठीक है, तो स्मार्ट सिटी के अंडर किया है। तो अब ये देखना है कि भागलपुर का क्या कंडीशन रहा है, किस तरह से करती है और क्या स्थिति रहता है ये हमारे स्मार्ट सिटी के तर्ज में, क्योंकि एक इलेक्शन का मुद्दा ये भी रहेगा। क्योंकि जैसा कि देखा गया, पूरे भागलपुर में, पूरे शहर, पूरे बिहार में इतनी गंदगी है कि साफ सफाई के नाम पे सिर्फ कुछ नहीं है, इतना गंदा है। तो कहीं ना कहीं ये भी बड़ा मुद्दा रहेगा। ठीक है, आगे फिर हम चलते हैं। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ना, ये कोई ऐसा पिक्चर नहीं है, ये अंग डायनेस्टी के एक कालीन समय का एक चंपा, इसको कहते थे चंपा नाला, अब ये नाला में तब्दील हो गया, जब ये एक नदी थी, चंपा नदी इसको कहते थे, CHAM चंपा नदी। ठीक है, जो कि ये भागलपुर में है, ये अंग डायनेस्टी का एक जाना माना एक हिस्टोरिकल साइट था, लेकिन इसको जो है गवर्नमेंट इस पर कोई ध्यान नहीं देती है। तो ये इतना बुरा कंडीशन है, इतना बुरा कंडीशन है कि गवर्नमेंट खुद इस पर ध्यान नहीं देती है। ये कोई ऐसा वैसा साइट नहीं है, ये जो आप पीछे देख रहे हैं ये उसी का एक छोटा सा यहाँ पे एक हिस्सा है। तो कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट जो है इस पर बिल्कुल भी साइड नहीं, ये जो नाला दिख रहा है, ये एक्चुअली ये यहाँ तक सीमित नहीं था, ये इतना सा सीमित नहीं है, ये पूरा एकदम वास्ट, काफ़ी वाइड में यहाँ से लेके काफ़ी वाइड तक ये फैला हुआ था, लेकिन गवर्नमेंट इस पर ध्यान नहीं दी, ना लोकल अथॉरिटीज़ ने कुछ ध्यान दिया। तो ये भी एक बिहार चुनाव में एक मुद्दा बन सकता है कि हमारे किस तरह से स्टेट गवर्नमेंट या फिर BJP हो या फिर जो भी स्टेट में गवर्नमेंट अभी है, वो किस तरह से बिहार को, बिहार के हिस्टोरिकल साइट को वेस्ट कर रहे हैं, या फिर उनके हिस्टोरिकल जो हिस्टोरिकल साइट्स हैं उनको नेगलेक्ट कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, या फिर उनके नाम पर जो भी फंड्स आते हैं उनको, उनका मिसयूज़ कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इनके लिए जो भी फंड्स आते हैं वो मिसयूज़ कर रहे हैं। जैसे कि अगर फंड्स आए हैं तो सॉरी तो वो या तो फंड्स या तो उसको यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, या फिर वापस भेज दिए जाते हैं कि प्रॉपर रिसोर्सेज के कारण नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, फिर हम आगे देखते हैं। ये कुछ पिक्चर्स हैं जो कोरोना पेंडेमिक के टाइम पे भी आए थे और रेगुलर आते ही रहते हैं। ठीक है, ये NH-80 है जो क्या बहुत ही जाना माना हाईवे है, और नरेंद्र मोदी जी इसी हाईवे से गुजरने वाले हैं। हालांकि अभी इसमें थोड़ा सा मरम्मत कर दिया गया है, थोड़ा गिट्टी विट्टी भर दिया गया है, लेकिन मोदी जी इसी हाईवे से गुजरने वाले हैं। ठीक है, राहुल गांधी जी इसी हाईवे से गुजरते हुए भागलपुर उतरेंगे, इसी हाईवे से गुजरते हुए फिर कहलगांव जाएंगे, उपयोग होता है या फिर पब्लिक के लिए भी होता है, या फिर पब्लिक को कुछ फ़ायदा मिले। और ये जैसा कि एक दिल दहलाने वाला इमेज है, जहाँ पे एक छोटे से बच्चे के
माँ का निधन हो गया था ड्यू टू हंगर, ठीक है, भूख के कारण निधन हो गया था। तो वहीं एक एक ये दर्दनीय तस्वीर थी, और ये मुजफ्फरपुर की, जी हाँ मुजफ्फरपुर जो क्या स्मार्ट सिटी के अंडर में आता है, ये वहाँ का ऐसा हाल हो गया है, वहाँ के लोगों का ये हाल था। तो कहीं ना कहीं ये देखने वाला होगा, ये सारे जो इमेजेस हैं ये सारे के सारे स्मार्ट सिटी के ही अंडर में। जब ये स्मार्ट सिटी का ही ये हाल है तो नॉन स्मार्ट सिटी जो है उनका क्या हाल होता होगा, ठीक है। ये है भागलपुर का, ये तस्वीर है इसको, यहाँ भागलपुर में लोग मिनी स्विमिंग पूल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये कभी भी नहीं बन पाया है, ये कभी भी नहीं बन पाया है, और शायद इन फ्यूचर कभी ये बन भी नहीं पाएगा। और ये वापस ये वही रोड है जिससे आज गवर्नमेंट सब आने जाने वाले हैं, उनके जो वोटर्स होंगे वो इसी रास्ते से जाएंगे, शायद ये रास्ता देखकर कुछ उनको याद आ जाए। हालांकि अब तो इसमें गिट्टी विट्टी भर दिया गया है अच्छे से, बस 2 दिन की चांदनी फिर काली रात, ये वही वाला सिस्टम है, ठीक है। अब देखना है कि आगे क्या होता है। ये तो आप देख ही रहे हैं, ये है पटना का, ठीक है, और ये कहाँ का है, ये जो बाढ़ आया था ये खगड़िया साइड का है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे तस्वीर है, बस छोटे से तस्वीर से, 2 तस्वीर से आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि बिहार का ये क्या हाल हो गया है, जो गवर्नमेंट एक ढंग से कोई रिलीफ भी नहीं भेज पा रही है। वो तस्वीर जहाँ एक रिलीफ भी गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं कर पा रही है, शायद ही कहीं किसी किसी जगहों पर NDRF की टीम गई और वहाँ से लोगों को भी हेल्प मिला, सपोर्ट मिला, लेकिन हर जगह से नहीं मिल पा रहा है। तो सब पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो इस पर पॉलिटिकल एजेंडा अपना रखेंगे, जैसा है राजनीति खेलेंगे। मोदी जी जैसे कि तो कहीं ना कहीं देखना है कि ये बस राजनीतिक अड्डा बनेगा, हवाई अड्डा बनेगा, DPR तैयार है, ये वो तैयार है, बट कुछ हुआ नहीं है, सिर्फ ये एक राजनीतिक मुद्दा बन के ही रह जाता है, ठीक है। तो इसी के साथ हम लेक्चर को अंत करते हैं और कोशिश करते हैं कि इस बार आप सभी घर से निकले और अपना वोट दें, और जो वोट जब भी दें मास्क पहनकर जाएं, ग्लव्स पहनकर जाएं, और सुरक्षा के साथ अपना प्रतिनिधि को वोट दें, जो भी हो, किसी के भकावे में ना आए, जाति धर्म के बेसिस पर वोट ना दें, अन्यथा ये आपको ही नुकसान पहुंचा सकता है कहीं ना कहीं, क्योंकि इसमें सरकार का कोई नुकसान सुनो नुकसान आपका है। तो आपके इलाके में किस तरह से परिवर्तन हुआ है, किस तरह से सपोर्ट हुआ है, उसको देखते हुए अपने प्रतिनिधि को चुने, ठीक है। और जैसा भी हो कोशिश करें कि अच्छे प्रतिनिधि को चुनें और धर्म या जाति के नाम पर किसी को वोट ना दें, क्योंकि इसमें आपके और आपके बच्चों के भविष्य का सवाल है। आगे चल के आपसे हम अलविदा लेते हैं, धन्यवाद।